कनाडा टूरिस्ट विस्टर वीजे का क्या हाल चल रहा है? आई नो कि हम अभी करंटली बहुत ही कम वीडियोस डाल रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोगों ने, बहुत लोगों ने हम पे ट्रस्ट किया, बहुत लोगों ने हमसे अपनी एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस स्टार्ट करवाया है। दैट इज वे थोड़ा बहुत हम बिजी होते हैं एप्लीकेशन में, बट डे बाई डे हम आपको कैनेडा की विस्टर वीजा की जो अपडेट्स होती हैं, वीजा ट्रेंड हो गया या फिर वीजा प्रोसेसिंग टाइम हो गया, जो मेन दो मुद्दे हैं, वो आपके साथ डे बाई डे बात करते रहते हैं। तो आज भी उसी के बारे में बात करें। एक वीजा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जैसे समीर जी की PPR है, इनका वीजा टूरिस्ट वीजा है ऑन होटल बुकिंग। इनकी प्रोफाइल पहले दो बार रिफ्यूज्ड थी, ठीक है, इनकी प्रोफाइल पहले दो बार रिफ्यूज थी। आप चेक करते हो कि हम पासपोर्ट दिखा देते हैं कि हमारे पास इतने ज़्यादा पासपोर्ट स्टैंप होकर आते हैं, डे बाय डे आते हैं, बट आज मैं आपको प्रोफाइल भी बताना चाहूँगा कि कौन सी प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा जो है लगने पॉसिबल है। इनकी पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, इनके पास कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, बट मैं इनकी प्रोफाइल थी जो थोड़ी बहुत ठीक थी, पहले दो रिफ्यूज थी। मैंने फिर इनको कहा कि यार एक बार ना मेरे कहते हुए कि आप दुबई जाओ, ठीक है, तो फिर हमने कैसे प्रोफाइल लगाई, दुबई जाकर जब वापस आ गए, ठीक है, एक हफ्ते में हमने वीज़ा लिया, वीज़ा लेके एक हफ्ते टिकट करवा के इसका 20-30-40 हज़ार खर्चा आया होगा, वो इसने दुबई जाके वापस आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसका अजरबैजान का वीज़ा निकलवाया, ठीक है, अजरबैजान का वीज़ा निकलवाया। फिर हमने जो आइटनरी बनाई वो इस तरीके से बनाई कि मैं पहले, जो टिकट्स हमने इस अकॉर्डिंगली शो की कि मैं पहले अजरबैजान जाऊँगा, अजरबैजान में घूमूंगा, वहाँ पर 3 दिन रहूँगा अजरबैजान, इस तरीके से आइटनरी हमने सबमिट किया और वीज़ा भी अजरबैजान का साथ में सबमिट किया। फिर उसके बाद 3 दिन के बाद मैं जाऊँगा कैनेडा, 3 दिन मैं टोरंटो रहूँगा, फिर मैं 3 दिन वैनकूवर रहूँगा। सो ये मेरी आइटनरी है। सो इससे वीज़ा ऑफिसर को एक मोटिव मिलता है कि यार इस बंदे ने काम किया है या काम कर रहे हैं, इसको महीने की छुट्टी है, सो दैट इज़ वाई ये घूमना चाहता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सिटीज देखना चाहता है, दुबई जाया है, अभी जाकर आया। सो हमने एक मोटिव बनाया, ठीक है, मोटिव बनाया, पर्पस बनाया, स्ट्रॉन्ग बनाया प्रोफाइल। इनके पास फंड कितना था, इनके पास 10-11 लाख फंड था। हमने कहा कि जो भी दुबई का खर्चा करना है इस 10-11 लाख से करना, ठीक है। सो बहुत ही मिनिमम इनकम, लाइक जब ट्यूशन सेंटर चलाते हैं, ओनली ट्यूशन सेंटर, मैरिड भी नहीं है, सिंगल है, और इनके फादर भी नहीं है, ओनली मदर है घर में, थोड़ी बहुत रेंटल इनकम है घर में से। सो आप देख सकते हो कि हमने कैसे एक मोटिव बनाया। देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जितना ज़्यादा जरूरी पर्पस है ना, उतना ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। 80-90% मैं कहूँगा कि यार पर्पस पे डिपेंड करता है, टाइस टू इंडिया हो गया, फाइनेंशियल हो गया, वो तो आपका 10-20% ही है, ठीक है, मैटर तो वो भी करता है, अगर 1% कभी 99% पे भी भारी पड़ जाता है, जब सारी प्रोफाइल ठीक होगी, टाइस टू इंडिया नहीं है तो वो भी रिफ्यूज होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि पूरा फैमिली बिजी लगा दिया टूरिस्ट का ना, बच्चे थे दो उनका भी लगा दिया, हस्बैंड वाइफ का भी लगा दिया, तो वहाँ पर टाइस टू इंडिया बच्चा नहीं, तो 100% रिफ्यूजल है वहाँ पर। सो अनलेस कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया गए हो पूरी फैमिली के साथ, या आप यूरोप घूमने गए हो, तो वो चीज़ें मैटर करती हैं। सो मेन चीज़ है कि इनका वीज़ा हमने इस वे से निकाला है। सो मेन चीज़ है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा ऑन होटल बुकिंग और आपका कितना खर्चा आएगा, 1 लाख खर्चा भी नहीं आएगा आपका, सीरियसली कह रहा हूँ मैं, अगर आप इस वे से जाते हो। स्टडी वीज़ा पे 25-26-26 लाख बरते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हमें जो पढ़ना पड़ता है 2 साल, उसके बाद स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मैं तो कहूँगा यार विस्टर वीज़ा लगाओ, अपना कनाडा जाओ, कमाओ, अच्छा करो, ठीक है। सो उसके बाद क्या है कि यार आज की डेट में वीज़ा ट्रेंड है जो मैं कहूँगा कि प्रोफाइल बेस्ड है। प्रोफाइल बेस्ड ये मत समझो कि अगर प्रोफाइल बंदे की कह दो कि यार 50 लाख फंड है, या फिर उसकी बिजनेस अच्छा है, या जॉब अच्छी है, उसको वीज़ा मिलेगा, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मतलब कि जो आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो उसमें बहुत फ़र्क है, रिप्रेजेंटेशन में फ़र्क है। जैसे हमने समीर जी की प्रोफाइल बनाई, हमने पर्पस को स्ट्रॉन्ग किया, अजरबैजान का वीज़ा साथ में लगाया, तो जिस ऐसी कंट्रीज हैं, ठीक है, रवानिया हो गया, अजरबैजान हो गया, ऐसी कंट्रीज, आई नो कि इन्हीं कंट्रीज के लाखों वीज़े ले, लाखों लाखों रुपये लिए जा रहे हैं, ठीक है, पंजाब में स्पेशली, कि अरमानिया भेज दो 1 लाख रुपया, 50 हज़ार रुपया अजरबैजान भेज दो, सो इसका 2-3 हज़ार में वीज़ा अप्लाई हो जाता है, ये वीज़ा आप ले सकते हो। सो इसमें क्या है कि हमने एक मोटिव बना देते हैं, ठीक है, मोटिव क्या है, मैं पहले दुबई जाया, महीने की छुट्टी है मुझे, उसके बाद मैं अजरबैजान जाऊँगा, वहाँ पर घूमूंगा, ठीक है, वो 3 बिल्डिंग है अजरबैजान में, आई डोंट नो फायर के जैसा उनका नाम है बिल्डिंग्स का। सो उसके बाद मैं वो देख कर कैनेडा जाऊँगा, सीएन टावर घूमूंगा, वैनकूवर की ऐसी बिल्डिंग्स है वो देखूंगा। सो ये चीज़ें हम मोटिव बनाते हैं, ठीक है। सो इसी प्रकार से आप अपनी एप्लीकेशन किया करो, कंसल्टेंट को ये
ये कहा करो कि जस्ट सिंपली हमें ये मत कर देना कि एक होटल बुक करके फाइल लगा दी, उसके बाद दिखा दिया कि जी मैंने नाइग्रा फॉल घूमना है, मैंने अपना सीएन टावर घूमना है। तो यार ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ें होगी ना, आपको क्या पसंद है वो चीज़ आप उसमें डालो सर्च करके। कोई ब्रिज है ठीक है, आपने देख लिया कि ग्रीनरी अल्बर्टा में जाना है, पहाड़ों में जाना है कनाडा के, वहाँ पे ब्रिज है, बड़े बड़े दरख्त होते हैं वहाँ पे, वो चीज़ देखनी, उसकी पिक्चर साथ में लगा हुआ आइटनरी के। सो बहुत ही वे है कि हम रिप्रेजेंटेशन अच्छे वे में कर सकते हैं। सो उसमें वीज़ा मिलता है, सो वीज़ाज बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप हमें देख सकते हो, हमारे पास पासपोर्ट्स रिसेंटली स्टैंप वगैरह आते हैं, वीज़ाज ऐसे आ रहे हैं, एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए। चाहे रिफ्यूज़ल है नो प्रॉब्लम डियर, रिफ्यूज़ल है ये मत समझना कि जी मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, बैन नहीं किया, बस वीज़ा ऑफिसर को कंसर्न है, आपने जरा उसको जस्टिफाई नहीं कर पाए। रिफ्यूज़ल का दूसरा मतलब क्या है कि यार आप वीज़ा ऑफिसर को मना नहीं पाए, ठीक है, ये मतलब है। सो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड आपने हमें कॉन्टैक्ट जरूर करना है अगर आप अपनी एप्लीकेशन पुनीत इमिग्रेशन से करवाना चाहते हो। हर एक एप्लीकेशन है जो पुनीत इमिग्रेशन में मेरे द्वारा ही सबमिट की जाती है। सो नमस्कार, सत श्री अकाल।